अखियों से गोली मारे डिश्याँ। हाँ मैं गोली चला सकता हूँ। अरे गोविंदा जी सिर्फ अकेले थोड़ी ना अखियों से गोली मारते हैं, मैं भी अखियों से गोली मार सकता हूँ अनुपमा की तरह। हाँ अनुपमा गोली मार सकती है अखियों से, तो मैं क्यों नहीं। उसने भी मास्क पहना, मैंने भी मास्क पहना कृष्ण का, तो मैं भी करूँगा अखियों से गोली मारे डिश्याँ। अखियों से गोली मारना शुरू कर दिया है अनुपमा ने, वो भी अनुज के सामने। पहन लिया है अनुज का मुखौटा और रोलते बिलखते अनुज को शायद मूड में लाने की अनुपमा कोशिश कर रही हैं। तभी तो उसके सामने फिल्मी गाने पर डांस किए जा रही है। अनुज बेचारा सोच में पड़ गया कि ये अनुपमा को हो क्या गया है, सदमा मुझे लगा है, लेकिन लगता है पागल अनुपमा हो गई है। लेकिन नहीं, अनुपमा पागल नहीं हुई, वो तो अनुज को संभालने की कोशिश कर रही है और इसीलिए तो ये फिल्मी डांस कर रही है। अनुपमा और अनुज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हर किसी को दया आएगी, लेकिन अनुपमा किसी की दया पर जीना नहीं चाहती। तभी तो उसके बापूजी यानी कि एक्स ससुर जी जब उसके पास आए तो अनुपमा ने तो अपना ज्ञान उन्हें भी दे दिया और उनको बता दिया कि अब अनुपमा को बिल्कुल चिंता नहीं है, वो अनुज को उसकी पुरानी पोजीशन लौटा कर ही रहेगी। हिसाब से किसने कहा कि आप गरीब है, किसने कहा? पूरी अहमदाबाद में ऐसा कोई नहीं है जो आपके सामने से निकले और हाथ ना जोड़े। जिसके पास इतना सम्मान है वो गरीब कैसे हो सकता है? तो भाई वनराज ने कह दिया था एक दिन पहले ही कि वनराज इज बैक। अब अनुपमा और अनुज कैसे वापसी करते हैं यही तो देखना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।